नीट यूजी पर सुप्रीम फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सभी याचिकाओं पर 5 बार सुनवाई हुई और सभी की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, नीट एग्जाम दोबारा नहीं होगा। नीट में गड़बड़ी व्यापक स्तर पर नहीं है, दोबारा परीक्षा कराने से पढ़ाई का सेशन लेट हो जाएगा, परीक्षा दोबारा कराना न्यायोचित नहीं होगा। कोर्ट ने माना कि हजारीबाग में पेपर लीक हुआ और पटना तक गया, इसमें कोई विवाद नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की अभी तक की जाँच अभी अधूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी तक जो सबूत सामने आए उससे ये नहीं कहा जा सकता कि परीक्षा की पवित्रता पूरी तरह खंडित हुई। कोर्ट ने ये भी कहा कि पिछले 3 साल के आंकड़ों से भी ऐसा नहीं लग रहा कि एग्जाम में देशव्यापी गड़बड़ी हुई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासत जारी है। लगभग 2-2.5 महीने से सरकार की पक्ष जो रखा जा रहा था, कोई लार्ज स्केल ब्रिज नहीं हुई है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको सही ठहराया है। मैं खुद पेटिशनर और ये दुखद फैसला है। मुझे लगता है कि सीबीआई और सरकारी वकीलों ने कहीं ना कहीं तथ्यों को छुपाया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.